right now on the moon. Space and Chairman ISRO, Sri S. Swam, the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. Ikshan, jeet ke chandra path par chalne ka. 24 ह्यूमन विजिटर्स, 12 मून वॉकर्स और 100 से ज्यादा रोबोट्स चांद पर जा चुके हैं। अमेरिका, रूस और चीन, ये तीन देश अपना मून मिशन पूरा कर चुके हैं, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने जो कर दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर उतरते दुनिया ने देखा। इस पल को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया क्योंकि ये पहली बार है जब किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस। टीम न्यूज नेशन। साइंस का शौक कब से हुआ? अभी अभी। डिग्री वकालत की, बन गया था विज्ञान मंत्री और करी थी नॉन स्टॉप नौटंकी। नाम है फवाद चौधरी। हम पाकिस्तान का पानी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है। बतौर मंत्री तो फवाद चौधरी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब सरकार से बाहर आने के बाद शायद पहली बार अकल की बात की है और वो भी इस ट्वीट के जरिए। पाकिस्तान की मीडिया को इंडिया के चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव दिखानी चाहिए। ये लोगों और भारत के वैज्ञानिकों के लिए ऐतिहासिक पल है। भारत को बहुत बहुत बधाई। आज फसादी फवाद चौधरी भारत को बधाई दे रहा है, लेकिन कोई नहीं भूलेगा इसकी जुबान से निकला वो शहर जो चंद्रयान 2 की अधूरी लैंडिंग के दौरान निकला था। जब चंद्रयान 2 मिशन पूरा नहीं हो पाया था तब भी इसी फवाद चौधरी ने ट्वीट कर लिखा था, जो काम आता नहीं वहाँ पंगे नहीं लेते। उसी दौरान फवाद चौधरी ने एक और करतूत की थी, इंडिया को एंडिया कहा था, यानी जो खत्म हो गया। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की खबर आई तब भी फवाद चौधरी की बेसिर पैर वाली बातें वायरल हुई थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। फवाद चौधरी कराची से चांद को कितना देख पाता है वो ही जाने, लेकिन जब चंद्रयान 3 कामयाबी की तरफ बढ़ा तो फवाद चौधरी को समझ आ गया कि पड़ोसी मुल्क इंडिया नहीं बल्कि इंडिया ही। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान के झंडे पर चांद है, लेकिन आज चांद पर झंडा इंडिया का लहरा रहा है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। पीपल आर अप्लॉडिंग। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने पूरे हिंदुस्तान का सिर फख्र से ऊपर कर दिया है, लेकिन फवाद चौधरी का पाकिस्तान आज भी लुटा पिटा है। यही वजह है कि जब चंद्रयान 3 की कामयाबी की खबर कराची तक पहुंची तो पाकिस्तान कह उठे, इंडिया से सीखो पाकिस्तान, थोड़ा सा सुधर जा। लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा, मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर है, इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है? वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी? हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा, वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं।
पाकिस्तान में चंद्रयान 3 की कामयाबी से पहले ही भारत के इस शाहकार का क्रेज चढ़ गया था। चौक चौराहों पर बस चंद्रयान 3 का जिक्र भर होता था और फिर पाकिस्तानी बताने लगते थे कि वक्त आ गया है जब भारत से पाकिस्तान को सबक सीखने चाहिए। टेक्नोलॉजी को अगर आपने प्रमोट करना है तो आईटी वाले बंदे ढूंढो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बाहर जा रहे हैं उनको लाओ, आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो। रिविजन होना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पिछले साल में 100 मिलियन से ज्यादा उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट थी, हमारी 6 मिलियन भी नहीं थी। तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि आईटी का जो है वो आगे फ्यूचर क्या है ना, दुनिया से जो है काफ़ी पीछे है। इवन कि हम इंडिया, हमारे पास, हम यही कहा जाता है कि पाकिस्तान फौज हमारी नंबर 1 फौज है, ये लॉलीपॉप दे के हमें जो दूसरी चीज़ों से है ना वो हमें छुपा दी जाती हैं। ठीक है, हमें इन चीज़ों से बचना है मेरे भाइयों, हमें सब अपने आप को। अब तो ये जंगों वाला दौर रहा ही नहीं, अब इकॉनमी का, टेक्नोलॉजी का दौर। मैं बताता हूँ ना, ये जो अब जंगों वाला असल दौर है वो टेक्नोलॉजी है बेसिकली हमारी। ये टेक्नोलॉजी है ना, इसमें हम जितना एडवांस होंगे यही हमारा बेनिफिट है, इसी में हम विक्ट्री हासिल करेंगे। इंडिया का चंद्रयान, इंडिया की तरक्की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान में आजकल खाते पीते आते जाते, बस यही नाम लिए जाते। याद है ना आपको, पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले इंडिया को टॉप 3 इकोनॉमी में लाने की बात की थी। ये बयान भी पाकिस्तान में वायरल हुआ और हर गुफ्तगू में ये बात होती, इंडिया इस मिशन को किस तरह पूरा करने वाला है। इंडिया का आईटी सेक्टर तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप उनका गूगल का सीईओ देख लें, यूट्यूब का सीईओ देख लें, वो इंडियन ही है। ठीक है, और उनकी एक यूनिवर्सिटी है आईआईटी, बहुत बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उनकी, और उनका जो आईटी का लेवल है उसको तो हम मैच नहीं कर पा रहे। हमने असल में इसलिए नहीं किया ना, असल में उनकी जो गवर्नमेंट है वो एंड लेवल तक अपॉर्चुनिटीज देती है हमारी। आप मुझे बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में जो इस तरह की कोई डिग्री करा रही हूँ कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजी के मुताबिक करवा रही हूँ या उसके ऊपर कोर्स करवा रही हूँ। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं, हमने आना है, कमाना है, पेट पालना है और आगे चले जाना है। ठीक है, हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा ये बहुत मुश्किल से है, इसके लिए लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। पाकिस्तानी आवाम तो पहले ही नए हिंदुस्तान का मादा मान चुके थे, फवाद चौधरी जैसे कुछ जहरीले कैरेक्टर्स बचे थे जो अब एक एक मान रहे हैं कि इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन।